हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। दिस इज अनिरुद्ध मलिक। आई वेलकम यू ऑल ऑन एन अकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे हमारे जो टाइप्स ऑफ क्लाइमेट है जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक उनके बारे में। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेम्परेट टाइप ऑफ, जिसमें हम बात करेंगे स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसे हम टेम्परेट ग्रासलैंड भी कहते हैं, और कॉन्टिनेंटल टेम्परेट जो आपका टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो आज हम कवर करने वाले हैं डिटेल के साथ। ओके गाइस, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो हम बात करेंगे कि हम कैसे कवर करना है। गाइस, बेसिकली जो हमारा टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये आपका थोड़ा सा डिफरेंस है, जो आपका ये मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट मिलता है, पहला पॉइंट। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम पढ़ रहे थे कि जो हमारे क्लाइमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर मैं बात करूं आपका मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो वो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में फॉर्म हो रहा है। बट इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें टेम्परेचर का, प्रेसिपिटेशन का और आपका क्लाइमेट का दोनों का डिफरेंस है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में भी। ये हमेशा क्या है, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर समझने की। अगर मैं बात करूं कि ग्रासलैंड क्या होते हैं, जैसे हम बात करेंगे स्टेपीज की, प्रेरीज की, पैम्पास की, वेल डाउन, पुस्ताज, ये कौन कौन से एरिया में होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से और पॉइंट के साथ डिटेल में। आप अगर अच्छे से चीजों को समझोगे तो आपको ये इश्यूज क्लियर होंगे और पॉइंट को समझ आएगा। ओके गाइस, सो बिफोर स्टार्टिंग ए टॉपिक, अगर मैं बात करूं अपने बारे में, दिस इज अनिरुद्ध मलिक, आई डन माई बीटेक फ्रॉम यूपीटीयू एंड आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 इयर्स। वहीं पर बात करूं गाइस, दिस इज टेलीग्राम लिंक geography_5, यहाँ पे आपको सारी PDFs अवेलेबल हो जाएंगी। वहीं पर बात करें अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलेगी, अनलिमिटेड एक्सेस होगा जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। वहीं पर अगर मैं बात करूं गाइस, आपका जो एजुकेटर्स हैं, इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर्स अवेलेबल हैं, जो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, अपनी जो नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे और किस तरह प्रिपरेशन करनी है वो उसमें आपकी हेल्प करने वाले हैं। वहीं पर अगर गाइस मैं बात करूं कोर्सेज के बारे में, तो कोर्सेज में गाइस आपके हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, दैट मींस प्रीलिम से लेके अप टू इंटरव्यू, जो जो पॉइंट यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे पॉइंट आपके कवर होंगे इस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में। ओके, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस स्ट्रक्चर्ड कोर्स। वहीं पर मैं बात करूं अनअकैडमी का जो आयोकनिक सब्सक्रिप्शन है, इसके बारे में गाइस, इसके बेनिफिट्स के बारे में, आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, प्रॉपर स्टडी प्लानर मिलेगा, पर्सनलाइज फीडबैक मिलेगी, तो ये सारी चीजें आपकी कवर होती है। ओके गाइस, वहीं पर अगर मैं बात करूं गाइस फीस की, तो 1 ईयर की फीस है 64,000। आप AM10 कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, फीस हो जाएगी 57,600। फॉर 2 ईयर की आपकी फीस है 99,000। AM10 कोड यूज करते हो तो आपकी फीस हो जाएगी 89,100, यानी कि आपको अप्रोक्स 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा आफ्टर यूजिंग द कोड कैपिटल AM10। वहीं पर बात करूं गाइस प्लस सब्सक्रिप्शन की, प्लस सब्सक्रिप्शन की 1 ईयर की फीस है 44,000, कैपिटल AM10 कोड यूज करोगे दैट इज 39,600। फॉर 2 ईयर 64,000, कैपिटल AM10 कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का अगेन डिस्काउंट मिलेगा 57,600। गाइज, अगर मैं बात करूं प्लस की और आपकी जो ये नॉर्मल प्लस और आइकोनिक सब्सक्रिप्शन है, आइकोनिक में जो मैंने 4 एक्स्ट्रा एडवांटेजेस बताई, बट अदरवाइज अगर मैं कोर्स की बात करूं, फैकल्टीज की बात करूं, तो प्लस में भी सेम है, हाई क्वालिटी एजुकेशन है, आइकोनिक में आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज होगी आंसर राइटिंग की और आपको गाइडेंस की और आपको प्रॉपर प्लानर की। वहीं पर अगर मैं बात करूं गाइस, अनअकैडमी फ्रॉम टुडे और टुमारो ऑनवर्ड्स के अंदर आपकी डेफिनेटली फीस हाइक होनी है। आपके लिए एक टाइम दिया गया है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड सब्सक्रिप्शन लेने में तो आप ले लीजिए, अदरवाइज 10,000 से 15,000 फीस हाइक होगी ड्यू टू हाई डिमांड। तो जितना जल्दी हो आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए गाइस, बहुत बेनिफिशियल है, सारी चीजें कवर होंगी। अगर आप AM10 कोड यूज करते हो तो एज अ गाइड, एज अ मेंटर, मैं आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने वाला हूँ। ओके गाइस,
वहीं पर अगर हम बात करें आज का क्लाइमेट के बारे में, दैट इज टेम्परेट कॉन्टिनेंटल और स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके गाइस, इसे बात करेंगे, बहुत अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, एक एक चीजों को समझने की। सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाइए, समझने से पहले ये वाला पॉइंट आ जाइए, हमने क्या बात की थी पूरे वर्ल्ड के बारे में, पूरे वर्ल्ड को चीजें साथ लेके चलेंगे। हेलो एवरीवन, हाय जिया, हाय कनकन, हाय प्रेरणा, हाय सलमा, हाय चंचल, हाय मोहित, हेलो एवरीवन गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे क्लाइमेट की। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, ये 0 से 10 डिग्री का हम कवर कर चुके हैं पूरे। देखिए, अगर मैं बात करूं, कोई कॉन्टिनेंट है दैट इज एशिया, उसके बाद है मेरा कोई कॉन्टिनेंट यहाँ पर क्या अफ्रीका, ठीक है, और एक कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। अब ये कॉन्टिनेंट है यहाँ पर इक्वेटर है, इस कॉन्टिनेंट के 0 से 10 डिग्री पर, पूरे कॉन्टिनेंट पे 0 से 10 डिग्री तक तो हॉट एंड वेट क्लाइमेट मिलेगा। फिर उसके बाद 10 से 30 डिग्री पर, कॉन्टिनेंट के अंदर बात कर रहा हूं मैं, कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर डेजर्ट वेजिटेशन मिलेगी, डेजर्ट मिलेंगे, चाहे सहारा डेजर्ट हो, पैटागोनियन डेजर्ट हो, एटाकामा डेजर्ट हो, ये सारे डेजर्ट आपको मिलेंगे, चाहे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट हो। तो ये हम बात कर चुके हैं पहले कवर। उसके बाद अगर इंटीरियर में बात करेंगे तो हमको मिलेगी सवाना और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब बोलोगे सर व्हाट इज सवाना और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो आपको बताना है सवाना और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड दैट मींस कि आपकी जो ग्रासलैंड होगी वो एक सवाना टाइप ट्रॉपिकल होगी, यानी कि आपकी ट्रॉपिकल एरिया में होगी। एग्जाम्पल है आपका कटिंगास, कैंपोस, ये आपकी ग्रासलैंड है, लानोस, ये आपकी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। उसके बाद मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी कि 10 से 30 डिग्री लैटिट्यूड पे जो ईस्टर्न टाइप ऑफ द कॉन्टिनेंट पड़ेगा, एग्जाम्पल इंडोनेशिया, एग्जाम्पल आपका थाईलैंड, एग्जाम्पल इंडिया, यहाँ पर क्या है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है श्रीलंका वाले पार्ट में। फिर हमने कवर किया कि 30 से 45 डिग्री तक जो कॉन्टिनेंट का पार्ट है वहां पर आपको मेडिटेरियन टाइप ऑफ रेनफॉल, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। अब बोलोगे सर व्हाट इज मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, दैट मींस आपको विंटर में रेनफॉल मिलेगी इस वाले पार्ट में, यहाँ पर विंटर रेनफॉल होती है। ओके, उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट, टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट या टेम्परेट ग्रासलैंड जो होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। गाइस, दो टाइप के ग्रासलैंड हमें पढ़ने थे, एक तो है हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो कि है सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा क्या है, ये ट्रॉपिकल एरिया में होता है जहां का टेम्परेचर हाई होता है, यहाँ पर सन की रेज डायरेक्टली फॉल होती है 10 से 30 डिग्री पर, और यहाँ की जो ग्रासेस होती है वो काफी टॉल हो जाती है, ठीक है, बट यहाँ की जो ग्रासेस है वो टॉल होती है बट न्यूट्रिशियस नहीं होती। वहीं पर जो आज हम बात करेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड की, यहाँ की ग्रासेस की हाइट तो टॉल होती नहीं है इतनी, बट यहाँ की ग्रासेस न्यूट्रिशियस होती है कंपेयर टू ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो हम ये कवर करेंगे। उसके बाद वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट पे हम कवर करेंगे 30 to 45 चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। आफ्टर दैट हमारा ऊपर की तरफ चले जाएंगे फ्रॉम कितना गाइस 45 to 60, और ये पड़ेगा आपका वेस्टर्न और ब्रिटिश टाइप, देन हमारा सेंट्रल साइबेरियन टाइप और ईस्टर्न मार्जिन और लॉरेंशियन टाइप। ये सारे टाइप ऑफ क्लाइमेट कोल्ड टेम्परेट है, यहाँ पर ये अगर मैं बात करूं ये वार्म टेम्परेट है, बट ये सब आपके कोल्ड टेम्परेट है। तो ये सारे क्लाइमेट हमें पढ़ने हैं और यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं आगे की तरफ, जो पहला पॉइंट है आ जाइए उसे समझते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि आपके ग्रासलैंड कहां कहां मिलेंगे। जो टेम्परेट ग्रासलैंड है पहला पॉइंट, वो हमेशा इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट मिलेंगे, मतलब ये मेरा कॉन्टिनेंट है उसके इंटीरियर पार्ट पे मिलेंगे 30 से 45 डिग्री पे, ये हमेशा याद रखना है आपको, चाहे वो स्टेपीज टाइप हो, चाहे वो आपका वेल्ड हो, चाहे आपका पैम्पाज हो, अगर मैं बात करूं डाउन्स की और वहीं पर प्रेरीज की, तो ये आपके क्या पड़ेंगे सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट पड़ेंगे, पहला पॉइंट। तो एक एक करके हम चीजों को पढ़ते हैं अच्छे से। सबसे पहले हमने क्या बात की, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये क्या करते हैं, बॉर्डर फॉर्म करते हैं किस किस के बीच में। यहाँ पर तो है आपका किधर की तरफ, इस वाले पार्ट में आपका मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर आ जाएगी तो आपको क्या मिलेगा गाइस, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, और इसके बीच वाले पार्ट में मिलेगा आपको टेम्परेट ग्रासलैंड
जो कि 30 से 45 डिग्री ऑफ मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट लाई करता है। ओके, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा जो डिस्कस करना था हमें। उसके बाद आगे आ जाइए, आगे बोलता है कि ये एरिया सेमी एरिड एरिया है। मतलब क्या है सर सेमी एरिड का? मतलब यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो इतनी हाई नहीं होती, 20 इंचेस के अप्रोक्स होती है। कितना गाइस? 20 इंचेस के अप्रोक्स आपकी क्या होती है? रेनफॉल होती है। और किसके बीच में पड़ता है ये एरिया? ये पड़ता है यहाँ पर ट्रॉपिक्स और यहाँ पर आ गया पोलर रीजन, और इस ट्रॉपिक्स और पोलर रीजन के बीच में सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, बिटवीन ट्रॉपिक्स एंड पोलर रीजन सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट पड़ेगा टेम्परेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड, जो कि टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है गाइस, उसके बाद हम बात करते हैं ये कैसे हुआ कि यहाँ पर ग्रासलैंड बने। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ग्रासलैंड कैसे बने। देखिए दो चीजें, यहाँ पर ग्रासलैंड इसलिए बने क्योंकि गाइस ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट बनता है। पहला पॉइंट अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, यहाँ पे आइए पीछे, ये वाला अगर आप एरिया देख रहे होंगे तो ये मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट बनता है। क्या बनता है? मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट पहला पार्ट। और किस वाली बेल्ट में बनता है? 30 से 40 डिग्री। और ये किसके इन्फ्लुएंस में आता है? वेस्टर्लीज विंड के। किसके? वेस्टर्लीज विंड के, वेस्टर्लीज विंड के। तो क्या होता है सर, वेस्टर्लीज विंड है तो रेनफॉल होनी चाहिए, ट्रीज होने चाहिए, बट इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर जो रेनफॉल होगी वो कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी। पहला पॉइंट, ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी, कम रेनफॉल होगी। ऐसा क्यों होगा वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले आपको क्या समझना है कि इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट है, इस वाले एरिया में वेस्टर्लीज विंड चलती है, तो जो वेस्टर्लीज विंड है वो अपना मॉइस्चर थोड़ा बहुत, जब तक मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट जाती है तो बहुत लो मॉइस्चर रह जाता है, बहुत मिनिमम मॉइस्चर रह जाता है। और जब लो मॉइस्चर रहता है तो इस वाले पार्ट में आपकी रेनफॉल इतनी ज्यादा हाई नहीं होती, इतनी ज्यादा हाई नहीं होती अगर मैं बात करूं कंपेयर टू अदर के। तो यहाँ पर क्या बनते हैं? यहाँ पर ग्रासलैंड बनते हैं। इस चिनोक विंड्स के बारे में भी बात करेंगे, क्यों इसे स्नो ईटर कहते हैं, ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हम अच्छे से। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या बात की कि हमारा क्यों ऐसा हुआ कि इस टाइप का क्लाइमेट बना। आ जाइए अब पीछे, ठीक है, वेस्टर्ली विंड के। और याद रखना कि यहाँ पर कोई भी मैरीटाइम इफेक्ट नहीं होता। क्या नहीं होता? मैरीटाइम इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर का कंसेप्ट अलग है, ये पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैरीटाइम इफेक्ट नहीं होता, यानी कि कोस्टल इफेक्ट नहीं होता, और कोस्टल इफेक्ट नहीं होने से वहां पर कोई भी समुद्र के पास का इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली ये ट्रीलेस होते हैं, मतलब यहाँ पर ट्री या तो बहुत कम होंगे या होंगे ही नहीं। यहाँ पर आपको ग्रासेस मिलेंगी। क्या मिलेंगी? ग्रासेस मिलेंगी। आप बोलोगे सर किस तरह की ग्रासेस मिलेंगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप की। यहाँ पर इस टाइप की आपको ग्रासेस मिलेंगी। ये ग्रासलैंड है आपका, जो कि टेम्परेट ग्रासलैंड होता है। यहाँ पर ट्रीज इस तरह आपको बीच में एक दो दिख जाएंगे, पर बहुत कम दिखेंगे। ओके गाइस, ये पॉइंट आपको समझना है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो ग्रासेस है, यहाँ की जो ग्रासेस है बेसिकली वो डिस्टिंक्ट नेचुरल वेजिटेशन की है। मतलब यहाँ की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ग्रासेस अलग है और सदर्न हेमिस्फीयर की ग्रासेस अलग है, ठीक है। यहाँ की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ग्रासेस अलग है और कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर की ग्रासेस अलग है। चीजों को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे अगर आप चीजों को समझोगे और करोगे। ये मेरा प्रॉमिस है, आप चीजों को समझोगे तो सबसे पहले आपको क्या चीज समझनी है, आ जाइए। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है और समझने का है, आप यहाँ पे समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं। देखिए, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर जो ग्रासलैंड वाला एरिया है वो काफी एक्सटेंसिव है, काफी ब्रॉड है। अभी सब चीज समझाऊंगा मैं, आप ये चीज समझिए। पहला क्या? एक्सटेंसिव है। आप बोलोगे सर एक्सटेंसिव मतलब यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड एरिया होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर, तो क्या है? एक्सटेंसिव है। वहीं पर आप ये देखिए, ये कॉन्टिनेंट इतना ब्रॉड है आपका,
ये कॉन्टिनेंट इतना ब्रॉड है तो इसके सेंट्रल पार्ट में ज्यादा पार्ट आएगा, वहीं पर आप सदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो लैंड मास कितना कम है, तो ये आपका इतना एक्सटेंसिव नहीं होते जो सदर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड होते हैं। ये इतने ब्रॉड और इतने बड़े नहीं होते जितने आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड होते हैं। समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है एंटायरली कॉन्टिनेंटल होते हैं क्योंकि कॉन्टिनेंट के बीच में होते हैं, कोई भी मैरीटाइम इफेक्ट नहीं आता, कोई भी ओशनिक इफेक्ट नहीं आता इनपे, ये प्रॉपर कॉन्टिनेंट के बीच में होते हैं। ओके, समझ में आ गया। एग्जाम्पल आपसे पूछे कौन कौन से हैं तो आपको बताना है सर यूरेशिया में कौन सा, यूरेशिया में आपको मिल जाएंगे स्टेपीज, यूरेशिया में मिल जाएंगे आपको स्टेपीज, और नॉर्थ अमेरिका में मिल जाएंगे आपको प्रेरीज, नॉर्थ अमेरिका में आपको मिल जाएंगे प्रेरीज। समझ में आ गया गाइस, कहां पे स्टेपीज मिले कहां पे प्रेरीज मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए समझिए, यहां पे तो मिले प्रेरीज ग्रासलैंड और यहां पे मिले स्टेपीज ग्रासलैंड, और उसके बाद क्या पॉइंट है जो समझने वाला है, जो ये आपका यूरोप वाला और एशिया वाला पार्ट है, यहां पर जो ये आपके टेम्परेट ग्रासलैंड है ना, ये कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में चैन है ब्रेक, दैट इज पुस्ताज ग्रासलैंड। ये भी टेम्परेट ग्रासलैंड का पार्ट है जो नॉर्थ अमेरिका में आता है। पुस्ताज ग्रासलैंड कहां पे आता है, हंगरी में लाई करता है, और उसके बाद आता है मंचूरियन ग्रासलैंड जो यहां पर लाई करता है। तो याद, क्या याद रखना है आपको, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो एक्सटेंसिव ग्रासलैंड है वो है प्रेरीज ग्रासलैंड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वो है पुस्ताज ग्रासलैंड जो कि हंगरी में है, स्टेपीज ग्रासलैंड जो इंडिया वो सॉरी एशिया यूरोप में है, यूरेशिया वाले पार्ट में, और उसके बाद मंचूरियन ग्रासलैंड। ये चारों टेम्परेट ग्रासलैंड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के। तो हमने क्या बात की, हमने पहली बात की कि एक्सटेंसिव है, बड़े एरिया में है, एंटायरली कॉन्टिनेंट के अंदर लाई करते हैं, एग्जाम्पल स्टेपीज प्रेरीज, उसके बाद पुस्ताज, और उसके बाद आपका हो गया मंचूरियन ग्रासलैंड। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सदर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड के बारे में, किसके गाइस, सदर्न हेमिस्फीयर के, जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है इसके ग्रासलैंड के बारे में डिस्कस करते हैं। आज ये सदर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड कैसे होते हैं। एक तो गाइस क्या होता है, जो कॉन्टिनेंट है ना वो नैरो है, नैरोनेस होने के कारण ये लेस एक्सटेंसिव होते हैं, क्या होते हैं, ज्यादा ब्रॉड नहीं होते। यहां पर आ जाइए, ज्यादा ब्रॉड नहीं है, ज्यादा ब्रॉड नहीं है सदर्न हेमिस्फीयर के, क्योंकि कॉन्टिनेंट का एरिया कम है। आपका जब कॉन्टिनेंट का एरिया ही कम लाई करेगा तो आपका क्या होगा, इस टाइप के ग्रासलैंड बनेंगे। किस टाइप के गाइस, जस्ट गिव मी वन मिनट, तो किस टाइप के ग्रासलैंड बनेंगे आपके, आपके बनेंगे किस टाइप के, कम एक्सटेंसिव नहीं बनेंगे, ज्यादा क्या बनेंगे, एक्सटेंसिव नहीं बनेंगे, थोड़ा छोटे बनेंगे, कहां पर, सदर्न हेमिस्फीयर में। ये पॉइंट आपको क्लियर है, बताइए किसी को भी डाउट। और यहां पे मैरीटाइम इफेक्ट होता है, मैरीटाइम मतलब यहां पे अगर आप देखोगे ओशियन का इफेक्ट है, ओशियन के पास है जबकि ये वाले ओशियन से दूर है। तो सदर्न हेमिस्फीयर के जो ग्रासलैंड है वो एक तो नैरोनेस है, कम है, लेस एक्सटेंसिव है। दूसरा पॉइंट क्या है, यहां पे मैरीटाइम इफेक्ट मिलता है, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस मिलता है, और उस मैरीटाइम इन्फ्लुएंस के कारण यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो ग्रासलैंड है वो हाई होती है, यहाँ की रेनफॉल है वो आपकी हाई होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ग्रासलैंड में ब्रेक इसलिए है क्योंकि वहां का जो टेम्परेट रीजन है उसमें आपका इस वाले पार्ट में ग्रासलैंड है तो वहां पर ग्रासलैंड बन गया, उसके बीच में कंटिन्यूअस नहीं हो पाए वो, वहां पर सदर्न हेमिस्फीयर में एरिया कम है तो छोटे एरिया में बन गए हैं वो, कंपेयर टू वहां पर अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो ब्रॉड एरिया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कवर किया हमने, एक तो नैरोनेस है, दूसरा मैरीटाइम इन्फ्लुएंस है जिसकी उससे रेनफॉल ज्यादा आएगी। अब क्वेश्चन पूछेगा कहां कहां है, आपको बताना है सर अर्जेंटीना में और यूरोगे में, अर्जेंटीना और यूरोगे में आपका कौन सा मिलता है बताइए, पैम्पास ग्रासलैंड। ओके, उसके बाद साउथ अफ्रीका में मिलेगा आपका क्या, वेल्ड, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा आपका डाउन्स। दीज आर द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर के टेम्परेट ग्रासलैंड है।
ऐसे तो आपको न्यूजीलैंड में मिल जाएगा कैंटाबेरी ग्रासलैंड, न्यूजीलैंड में मिल जाएगा कैंटाबेरी ग्रासलैंड। तो ये इस टाइप के ग्रासलैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए। तो हमने क्या क्या बात की, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो ग्रासलैंड होते हैं वो एक्सटेंसिव होते हैं, काफी बड़े होते हैं। आ जाइए मैं दोबारा समझा देता हूँ, मैपिंग के साथ समझ लेते हैं। आ जाइए, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, जो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड है ये आपके हो गए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड, और ये वाले हो गए नीचे वाले सदर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के आप ग्रासलैंड देखेंगे कितने एक्सटेंसिव है, कितने वाइड है, कितने बड़े हैं। क्यों? क्योंकि एरिया ज्यादा है कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड एरिया कम है, तो आपके इतने बड़े वाइड नहीं होंगे सदर्न हेमिस्फीयर के। पहला डिफरेंस है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड वाइड होंगे, सदर्न के वाइड नहीं होंगे। ये आपके ट्रॉपिकल इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट मिलेंगे, कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में मिलेंगे अंदर। बट इसमें क्या होगा, यहाँ पर मैरीटाइम इफेक्ट मिलेगा आपको, मैरीटाइम इफेक्ट मिलेगा। यहाँ पे जो ग्रासेस होंगी वो थोड़ी शॉर्ट होंगी और यहाँ की ग्रासेस थोड़ी लॉन्ग होंगी। सेकेंड पॉइंट क्या है, न्यूट्रिशियस ग्रास होंगी यहाँ की, यहाँ पे जो ग्रास होंगी वो ज्यादा न्यूट्रिशियस होंगी कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, एग्जाम्पल है स्टेपीज, प्रेरीज, पुस्ताज, मंचूरियन, ये चारों आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड है। वहीं पर सदर्न हेमिस्फीयर में पैम्पास, अर्जेंटीना और यूरुग्वे में, उसके बाद है आपका वेल्ट जो साउथ अफ्रीका में है, और उसके बाद डाउन्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में लाई करता है। तो ये हो गए हमारे ग्रासलैंड इस वाले पार्ट में। ओके, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारा ग्रासलैंड है उसमें आपका जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर कोस्टल इफेक्ट मिलता है, मैरीन इफेक्ट मिलता है। क्यों कोस्टल इफेक्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे वार्म करंट है, ये वार्म करंट है, ये वार्म करंट है, इधर वाली पार्ट पे आपको वार्म करंट मिल जाएगा। और वार्म करंट होगा तो क्या होगा बच्चे, वार्म करंट होगा तो टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा, तो यहाँ पर रेन बियरिंग विंड्स आ जाएंगी, तो रेनफॉल थोड़ा ज्यादा होगा कंपेयर टू स्टेपीज। और स्टेपीज में जो रेनफॉल होता है ना वो कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, यानी कि जब समर सीजन आता है, समर सीजन आने पे लैंड हीट हो जाता है, जब लैंड हीट होगा तो एयर राइज करेगी, एयर राइज करेगी उसके बाद ऊपर उठेगी, ऊपर जाने के बाद कंडेंसेशन होगा तो रेनफॉल होगी, यहाँ पर कन्वेक्शनल रेनफॉल आपको मिल जाएगी। समझ में आया, क्लियर है यहां तक? अब हम बात करते हैं आगे की तरफ, अब हम बात करते हैं किसकी तरफ, आगे की तरफ। आ जाइए, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका ग्रासलैंड होते हैं वो वार्म होते हैं समर्स में। देखिए क्या डिफरेंस है, अगर आपके ग्रासलैंड है ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये है सदर्न हेमिस्फीयर के। सो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड है, जो सबसे पहले आपको, एक तो यहाँ का जो समर का टेम्परेचर है वो तो बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है और विंटर का बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के अंदर होने से कोई भी ओशियनिक, कोई भी मैरीन इफेक्ट नहीं मिलेगा, जैसे हमारा मुंबई हो गया, जैसे हमारा बेंगलोर हो गया, जैसे हमारा चेन्नई हो गया। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ का समर का टेम्परेचर आपका क्या होता है, ना तो बहुत ज्यादा हॉट होता ना बहुत ज्यादा कोल्ड होता विंटर का। बट क्यों? क्योंकि वहां पे मैरीटाइम इफेक्ट मिलता है। बट जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पर कोई मैरीटाइम इफेक्ट नहीं मिलता, सेम कंडीशन है इंडिया का नॉर्थ। इंडिया के नॉर्थ में विंटर का टेम्परेचर तो माइनस उसमें चला जाता है +2-3 डिग्री सेल्सियस और समर का 40 डिग्री तक चला जाता है, यानी कि विंटर में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है और समर में बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है। क्लियर है ये पॉइंट आपका, समझ में आ गया? उसके बाद आपका यूरेशिया में स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका जो हंगरी है यहाँ पर पुस्ताज मिल जाएगा, मंगोलिया वाले रीजन में मंचूरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको मिल जाएगा या मंचूरियन टाइप ऑफ वेजिटेशन या टेम्परेट ग्रासलैंड आपको मिल जाएगा इंडिया के अंदर। समझ में आ गया गाइस आपको?
क्लियर है कहाँ पर क्या मिल रहा है, तो ये हमने बात कर ली कहाँ पर किस टाइप का क्लाइमेट का आपको मिलेगा। बताइए किसी को कोई भी डाउट हो यहाँ तक। किसी तरीका का भी कोई भी डाउट अगर आपको लग रहा हो बताइए गाइस। क्लियर है, आगे की तरफ बढ़े। तो ये बात हो गई हमारी इस टाइप की क्लाइमेट की। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। देखिए नॉर्थ अमेरिका में क्या हो रहा है आपका एक्सटेंसिव। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, आ जाइए फटाफट आइए यहां पर समझिए। चलो आगे जब क्लास में पढ़ेंगे तब मैं चीजें क्लियर करूंगा, अभी तक आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रेसिपिटेशन के बारे में, ठीक है। ये हमने बात कर ली कॉन्टिनेंट की कहां पर होती है। ये देखिए यहां पर अब हम बात है यहां इस वाले पार्ट में, ये है आपका मंगोलिया और मंचूरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है यहाँ पर, मंगोलिया और मंचूरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। ओके अब आ जाइए आगे की तरफ। अब क्या बोल रहा है ये, इन नैरोनेस सदर्न हेमिस्फीयर क्या है, नैरो है। ड्यू टू दिस नैरोनेस जो टेम्परेट पोर्शन है सदर्न कॉन्टिनेंट का, वहां पर जो ग्रासलैंड है एक तो वो रिस्ट्रिक्टेड है, ये मेरा अफ्रीका वाला पार्ट हो गया, तो ये इतना ब्रॉड तो है नहीं स्टेपीज और प्रेरीज की तरह, तो यहाँ पर एक तो लेस एक्सटेंसिव ग्रासलैंड मिलेंगे, मतलब कम मिलेंगे, एग्जांपल है वेल्ड मिल गया, कम एरिया में मिलेंगे। दूसरा और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल इफेक्ट नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर ओशियन इफेक्ट होगा, ओशियन का यहाँ पे वार्म करंट होगा, उसका इफेक्ट होगा इस वाले पार्ट पे वार्म करंट का। वहीं पर अगर मैं बात करूं जो पैम्पास है वो अर्जेंटीना और यूरुग्वे में मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर मैरीटाइम इफेक्ट होगा, किस चीज का, ओशियन का इफेक्ट होगा। और आपको पता है जब मैरीटाइम इफेक्ट होगा तो आपको डिफरेंस समझाता हूं नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। ये मेरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहां पर मेरा सदर्न हेमिस्फीयर है। अब चीजों को समझना, यहां पर क्या होगा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट है उसमें चीजें समझना। अभी क्या हुआ यहां पर आप नोटिस कीजिए एक चीज को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट के अंदर है तो यहाँ पर समर में तो बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा और विंटर में बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे जो एनुअल रेंज है ना टेम्परेचर की वो डिफरेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विंटर में तो माइनस में पहुंच जाएगा, तो क्या होगा अगर मान के चलिए -2 डिग्री और समर में पहुंच जाएगा 25 डिग्री के अप्रोक्स, तो यहाँ पर 27 डिग्री का डिफरेंस हो गया। वहीं पर जो सदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पर क्या होगा, मैरीटाइम इफेक्ट होगा, ओशियन का इफेक्ट होगा, तो जैसे हमारे इंडिया में बैंगलोर चेन्नई में यहाँ पर विंटर ज्यादा कोल्ड नहीं होगी और यहाँ की जो समर है वो ज्यादा हॉट नहीं होगी, तो क्या होगा एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो ज्यादा डिफर नहीं होगा सदर्न हेमिस्फीयर के जो ग्रासलैंड है, सदर्न हेमिस्फीयर के जो ग्रासलैंड है वहां पर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। इस पॉइंट को याद रखना है आपको, क्यों नहीं होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में मैरीटाइम इफेक्ट होगा, ओशियन का इफेक्ट होगा। ओके वहीं पर अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका की, जो यहाँ के ग्रासलैंड है ना वो सैंडविच्ड है किसके बीच में, ये देखिए यहाँ पर साउथ अफ्रीका है, इधर की तरफ तो है कालाहारी डेजर्ट, ठीक है, और इधर की तरफ है डर्कन्सबर्ग, और इसके बीच में है आपका क्या, वेल्ड ग्रासलैंड, साउथ अफ्रीका का वेल्ड ग्रासलैंड, तो कालाहारी डेजर्ट और इधर की तरफ है आपका क्या, यहाँ पर डर्कन्सबर्ग माउंटेन और बीच में है वेल्ड माउंटेन, बट यहाँ पे मैरी टाइम इफेक्ट काफी अच्छा है आपको, इसी वजह से विंटर और समर का टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होगा। अब क्या चीज है, अब एक चीज है कि जो अफ्रीका है ना यहाँ पर जो ये वेल्ड है ये डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं लोकली, डिफरेंट डिफरेंट जैसे हमारे यहाँ लोकल नेम रख देते हैं, तो इसी तरह वहां पे बुश वेल्ड माने जाएंगे, उसके बाद जो हाई एल्टीट्यूड पे होंगे उन्हें बोलेंगे हाई वेल्ड। तो याद रखना कि जो बुशवेल्ड है वो नॉर्थ में है आपके और यहाँ पर साउथ में है हाई वेल्ड, और ये जो वेल्ड टाइप ऑफ ग्रासलैंड है साउथ अफ्रीका के उसी का पार्ट है वेल्ड टाइप ऑफ ग्रासलैंड। ओके ये हमने चीजें कवर कर ली।
अब आ जाइए आगे की तरफ। अब वहीं पर मैं बात करूं जो डाउन्स है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, वहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, दो रिवर का बेसिन है, दैट इज मुल्ले डार्लिंग बेसिन, मुल्ले डार्लिंग बेसिन। तो जो साउथ ऑस्ट्रेलिया है वहां पर मुर्रे डार्लिंग बेसिन है, उस मुर्रे डार्लिंग बेसिन का ही पार्ट है आपका क्या, आपका डाउन्स ग्रासलैंड, उस वाले एरिया में आपके डाउन्स ग्रासलैंड बनते हैं, ठीक है, उस वाले ग्रासलैंड में डाउन्स ग्रासलैंड बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक बार प्रेसिपिटेशन की, यहाँ पे रेनफॉल कैसी होती है, नॉर्थ और साउथ में रेनफॉल कैसी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज ये पीछे आ जाइए बैक पे, रेनफॉल की और बात कर लेते हैं। जो मैं चीजें बता रहा हूं ना वो सारी इंपॉर्टेंट है, इसी तरह याद रखिए मैं बता रहा हूं आपसे। अब हम बात करेंगे रेनफॉल की। सबसे पहले हम बात करते हैं नदन हेमिस्फीयर के बारे में, नदन हेमिस्फीयर में कैसी रेनफॉल होती है आपको बताना है। सर लाइट रेनफॉल होती है, हल्की रेनफॉल होती है, और यहाँ की जो एवरेज रेनफॉल है वो 20 इंच से लेस है, 20 इंच या उससे लेस होती है नदन हेमिस्फीयर में। अब क्वेश्चन बनेगा क्यों, क्योंकि सर इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में कम रेनफॉल होगी, और जो रेनफॉल होगी ना वो आपकी कन्वेक्शनल करंट से बनेगी, कन्वेक्शनल क्यों, क्योंकि समर सीजन में आपको बताया टेम्परेचर हाई हो जाएगा, जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा समर में नदन ग्रासलैंड का, तो हाई होने से क्या होगा, यहाँ पर लैंड एरिया आपका हीटअप हो जाएगा, हीटअप होगा तो जो आपकी एयर है वो राइज करना स्टार्ट करेगी और कंडेंसेशन होगा और यहाँ पर रेनफॉल कर देगी, झम 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 करती हुई रेनफॉल आएगी, ठीक है, रेनफॉल आ जाएगी यहाँ पर। वहीं पर अगर मैं बात करूं विंटर में, ये मैंने बात की समर की, विंटर में जो यहाँ पे रेनफॉल होगी वो वेस्टर्ली जो विंड आएंगी उनका जो डिप्रेशन होगा, उस डिप्रेशन के कारण यहाँ पे विंटर में थोड़ी बहुत रेनफॉल देखने को मिलेगी ड्यू टू डिप्रेशन ऑफ वेस्टर्ली स्ट्रेट विंड्स, ओके। और याद रखना जो ये विंटर है ना, इसमें विंटर में यहाँ पर रेनफॉल नहीं स्नोफॉल देखने को मिलेगी ड्यू टू डिप्रेशन इन मेडिटेरियन से, यहाँ पर विंटर में आपकी रेनफॉल नहीं स्नोफॉल देखने को मिलेगी, आपको ये पॉइंट आप याद रखिए। विंटर में क्या हो रहा है, स्नोफॉल देखने को मिल रही है ना कि रेनफॉल देखने को मिल रही है, और समर में कन्वेक्शनल करंट के कारण आपको देखने को क्या मिल रहा है बच्चे, यहाँ पर समर में आपको देखने को मिल रहा है क्या चीज, आपको रेनफॉल ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट, क्लियर है, ओके समझ में आ गया। वहीं पर जो ये सदर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड है, किसके सदर्न हेमिस्फीयर के जो ग्रासलैंड है वो आपके क्या है, यहाँ पे रेनफॉल 20 इंचेस से ज्यादा मिलेगी, 20 इंचेस से ज्यादा मिलेगी, क्यों, यहाँ पे देखिए वार्म करंट, यहाँ पे देखिए वार्म करंट, यहाँ पे देखिए वार्म करंट, तो इस वार्म करंट के कारण टेम्परेचर तो हो जाएगा हाई, प्रेशर हो जाएगा लो, तो विंड मूव करेगी, तो यहाँ पर आपकी रेनफॉल 20 सेंटीमीटर से ज्यादा देखने को मिलेगी, पहला पॉइंट। दूसरा है यहाँ पे मैरीटाइम इफेक्ट होता है, मैरीटाइम, तो उस मैरीटाइम और इस ओशियन के इफेक्ट होने से यहाँ पे जो विंटर है और जो समर है उसमें जो एनुअल रेंज का डिफरेंस है टेम्परेचर का वो ज्यादा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि विंटर बहुत ज्यादा हॉट हो गया, सॉरी समर बहुत ज्यादा हॉट हो गया और विंटर में यहाँ पे स्नोफॉल हो गई, जैसे स्टेपीज में होती है, वो चीजें सदर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड में नहीं होती। दूसरा पॉइंट, अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे रेनफॉल कब होती है, यहाँ के वेटेस्ट मंथ कौन से होते हैं, आपको बताना है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। आप बोलोगे सर ये तो विंटर है, सर विंटर तो नदन हेमिस्फीयर में है ना, सदर्न हेमिस्फीयर में तो ये वाला टाइम समर सीजन का होता है और समर सीजन में यहाँ पर रेनफॉल होती है आपकी किस में, यहाँ पर वेल्ट पे, पंपास में और डाउन्स में। तो समझ में आ गया प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल के बारे में, बताइए गाइस रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन यहाँ पे आपको समझ आ गया, ठीक है, यही तो बात है, नदन हेमिस्फीयर कॉन्टिनेंट के बीच में है तो मैरीटाइम इफेक्ट होता नहीं, जब मैरीटाइम इफेक्ट नहीं होता तो एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब विंटर तो बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाएगी, समर बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगी, ये नदन हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके ये पॉइंट आया। और समर में यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और विंटर में आपका ज्यादा चला जाएगा बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहाँ पर जो आपका एनुअल एवरेज टेम्परेचर है उसका डिफरेंस थोड़ा ज्यादा होगा कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो क्या बोल रहे,
हाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, विंटर का टेम्परेचर लो है, समर का हाई है, इसी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा आई है। वहीं पर जो मैं बात करूं किसकी, आपकी सदर्न हेमिस्फीयर की, तो मैरीटाइम इफेक्ट होने से, वार्म करंट होने से यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा माइल्ड होता है, ना तो बहुत ज्यादा ठंडा ना बहुत ज्यादा गर्म। ठीक है, क्या हो रहा है गाइस, यहाँ का क्लाइमेट सदर्न हेमिस्फीयर का ना तो बहुत ज्यादा गर्म ना ठंडा। अगर मैं बात करूं विंटर का, तो विंटर में 10 डिग्री सेल्सियस है और समर में 20 डिग्री सेल्सियस है। वहीं पर यहाँ पर 30 से ज्यादा जा रहा है और विंटर में माइनस में जा रहा है, तो इस वजह से टेम्परेचर रेंज ऑफ डिफरेंस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो आपका इस टाइप का क्लाइमेट है उस टाइप में मिलेगा। ओके गाइस, समझ में आ गया। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए गाइस, पता है क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये नेटवर्क इशू है पीछे से ही, तो आप क्लासेस में देखते होंगे और क्लासेस में भी और फैकल्टीज में, तो आपको ये इश्यूज दिख जाएगा। ये आपके ग्रासलैंड है, इस तरह के ग्रासलैंड मिलेंगे, ट्री लेस मिलेंगे या एक दो ट्री आपको बहुत ही कम ट्रीज मिलेंगे, अदरवाइज इस टाइप के ग्रासलैंड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। यहां पर ये देखिए, ये स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ग्रासलैंड है ये, ठीक है, ग्रासलैंड। ओके गाइस, अब हमने बात कर ली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर की, रेनफॉल के बारे में बात कर ली कहां पर होता है। याद रखिए विंटर रेनफॉल होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्यों, क्योंकि डिप्रेशन आता है ड्यू टू वेस्टर्लीज, और किसकी फॉर्म में, स्नोफॉल की फॉर्म में आता है, किसकी फॉर्म में, स्नोफॉल की फॉर्म में आता है। और वहीं पर सदर्न हेमिस्फीयर में मैरीटाइम इन्फ्लुएंस होता है, तो रेनफॉल थोड़ी ज्यादा होती है, 20 इंच से ज्यादा, यानी कि मोर देन 50 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि वहां पर वार्म करंट है जो कि उस शोर को वॉश अवे करते हैं। यहाँ पर वार्म करंट है, टेम्परेचर हाई हो गया, प्रेशर लो हो गया, यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड आएगी, तो मॉइस्चर होगा, तो रेनफॉल आपकी थोड़ा सा होगी, मॉइस्चर ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब एक पॉइंट और याद रखना है, एक पॉइंट और याद रखना है, आ जाइए यहां पर, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आइए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको यहां पर दिख रहा है, ये वाला एरिया, यहां पर रॉकीज माउंटेन है आपको पता होगा, यहां पर एंडीज माउंटेन है आपको पता होगा, ये वाले, ये एंडीज माउंटेन, ये रॉकीज माउंटेन, यहां पर हिमालय है, ठीक है, यहां पर हिमालय है। अब चीजें समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं, अभी तक आपको कंसेप्ट क्लियर है, अब बात करते हैं रॉकीज की। तो क्या हुआ गाइस, यहां से ये चिनोक विंड है, यहां पर एक चिनोक विंड है जो कि रॉकी माउंटेन, यहां पर देखिए रॉकी माउंटेन के इस वाले पार्ट में आती है, किधर, वेस्टर्न पार्ट पे, तो अपने साथ मैरीटाइम इफेक्ट लेके आएगी, मॉइस्चर लेके आएगी, तो मॉइस्चर लेने से इस वाले पार्ट में रेनफॉल कर देती है, इस वाले पार्ट में रेनफॉल कर देती है। ठीक है, कैसी रेनफॉल होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल, कैसी रेनफॉल होती है, ओरोग्राफिक, क्यों, क्योंकि माउंटेन है, जैसी रेन आएगी यहां पर राइज करेगी, ऊपर कंडेंसेशन होगा, रेनफॉल। तो रॉकी माउंटेन की जो वेस्टर्न साइड है वो आपकी क्या है, आपकी यहां पर क्या होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। बट जैसे ही यहां पर जो चिनोक है वो इस वाले पार्ट में आती है, तो ये ड्राई हो जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये हॉट विंड है, हॉट और वेट विंड है, हॉट और ड्राई विंड है। तो क्या होगा, जब ये हॉट एंड ड्राई विंड है, तो जो यहां पर विनीपेग वाला पार्ट है कैनेडा का, और यहां पे प्रेरीज वाला पार्ट है किसका, आपका यूएसए का, तो यहाँ पे जब ये मूव करके इधर आती है, एक तो हॉट होती है, ऊपर से ड्राई होती है, तो ये वाला जो पार्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर ये वाला पार्ट है ना गाइस, ये पूरा आपका क्या रहता है, स्नो कवर्ड रहता है,
स्नो कवर्ड, तो ये हॉट एंड ड्राई विंड इस स्नो को मेल्ट करती है, इसी वजह से हम चिनोक विंड को क्या कहते हैं, स्नो ईटर कहते हैं, स्नो ईटर, क्योंकि पैसिफिक ओशियन से मॉइस्चर लेके आई, यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल कर दी वेस्टर्न साइड में, और ईस्टर्न साइड में हॉट एंड ड्राई विंड गई और यहाँ पे जो स्नो है उसे मेल्ट कर दिया, दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं, स्नो ईटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्नो ईटर बोलते हैं। दैट मींस ये स्नो को ईट करती है और इस वाले एरिया में ग्रासलैंड बनाती है, प्रेरीज, यानी कि क्या जो वीट ग्रैनरी है वर्ल्ड की, जो वर्ल्ड की वीट ग्रैनरी है इस वाले पार्ट में सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव लेवल पर, यहाँ पर वीट ग्रो होता है और यहाँ पर वेजिटेशन के लिए हेल्पफुल कर देती है ये चिनोक, क्योंकि जो स्नो है उसे मेल्ट कर देती है और जब स्नो मेल्ट हो जाती है तो वहां का वेजिटेशन के लिए हेल्पफुल हो जाता है। समझ में आ गया आपको? बताइए किसी को भी कोई डाउट हो। जो चिनोक विंड है इसे स्नो ईटर कहते हैं, क्योंकि वहां की जो स्नो है उसे मेल्ट कर देती है और वहां पर वेजिटेशन के लिए, ग्रासलैंड के लिए एक अच्छी कंडीशन फॉर्म कर देती है। रॉकीज माउंटेन के वेस्टर्न पार्ट पे तो ओरोग्राफिक रेनफॉल करती है और जब ईस्टर्न पार्ट पे आती है तो हॉट एंड ड्राई विंड आती है, हॉट एंड ड्राई विंड आती है। ओके, अब हम बात करते हैं आगे की तरफ, सेकंड विंड के बारे में डिस्कस करते हैं, सेकंड चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अब हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन। आपसे पूछे नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, तो आपको बताना है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ऊपर वाला पार्ट, इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ग्रासेस होती हैं वो शॉर्ट ग्रासेस होती हैं, हाइट उनकी कम होती है क्योंकि रेनफॉल थोड़ा कम होता है यहाँ पे और यहाँ पे ट्री लेस होती है। वहीं पर अगर ये वाले अगर मैं बात करूं जो सदर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड होते हैं, यहाँ पर रेनफॉल 20 इंच से ज्यादा होती है। ओके, इसी वजह से यहाँ पे आपको टॉल ग्रासेस मिल जाएंगी जो कि थोड़ी न्यूट्रिशियस होगी कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यहाँ की जो ग्रासेस है वो न्यूट्रिशियस होती है, एग्जाम्पल अल्फा 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 अल्फा, ठीक है, अल्फा अल्फा जो ग्रासेस है वो इस वाले पार्ट में मिलेगी। ओके, ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? बताइए, ये देखिए इस तरह की यहां पर थोड़ी न्यूट्रिशियस ग्रास मिलेगी इस तरह। क्लियर है? अब हम बात करते हैं यहां पर, ये हमने डिस्कस कर लिया सारी चीजें, तो हमने क्या बताया, जो रॉकीज माउंटेन है उसके ईस्टर्न स्लोप पे, देखिए ये मेरा रॉकीज माउंटेन है, इसका वेस्टर्न स्लोप है, यहां पर हो गई ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसका जो ईस्टर्न स्लोप है कैनेडा और यूएसए का, यहां पर एक लोकल विंड फ्लो करती है। ओके, इसी तरह जो आपका स्विट्जरलैंड है वहां पर करती है फोन, जो फ्योन है ये विंड आपकी वहीं पर फ्लो करती है, और जो चिनोक है ना ये आपकी क्या करती है, आपके जो प्रेरीज वाले एरिया में हॉट विंड है वहां का टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, हाई कर देती है, और वहां की जो मेल्ट है उस स्नो है उसे मेल्ट कर देती है, और जब मेल्ट कर देती है तो वहां पर क्या होता है, उस वाले रीजन में आपका वेजिटेशन हो जाती है, ग्रासलैंड होते हैं, वीट ग्रैनरी वहां पर लोकेटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। नेचुरल वेजिटेशन को मैं बता चुका हूं कि ये आपका स्टेपीज एक टेम्परेट टाइप का ग्रासलैंड है। ठीक है, यहां पर क्या है, ये डिफर करता है डेंसिटी में और क्वालिटी में, मतलब जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ना उसकी जो क्वालिटी थी और टेम्परेट की क्वालिटी है, वो टेम्परेट की क्वालिटी बहुत बेटर है क्योंकि वहां पर रेनफॉल बिल्कुल ही नहीं होती थी, ऊपर से वो क्या होता था, पूरी ब्राउन कलर की हो जाती थी, टेम्परेचर बहुत हाई होता था, और डेंसिटी में भी डिफरेंस है। ठीक है, और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ट्रॉपिकल सवाना में और स्टेपीज में, जो ट्रॉपिकल सवाना है एक तो ये क्या होता है, ट्री लेस होती है, यहाँ की जो ग्रास वो होती है ग्रासेस उनमें ट्री नहीं होता, बल्कि सवाना के जो ग्रासलैंड थे वहां पे आपको ट्री मिल जाएगा। यहाँ की ग्रासेस छोटी होती हैं, शॉर्टर, वहीं पर हमने पढ़ा था उनकी ग्रासेस कैसी होती हैं, एलिफेंट की हाइट तक, 15 मीटर की हाइट तक उनकी ग्रासेस चली जाती है।
उनकी ग्रासेस 15 मीटर की हाइट तक चली जाती हैं। ओके, ये आपको बताना है। उसके बाद अगर मैं आपको आगे डिस्कस करूं कि पहला पॉइंट क्या है, सर ट्रॉपिकल्स किस चीज में, वहां पर ट्रीज होते थे थोड़े बहुत, ये ट्रीलेस होते हैं। सेकंड सर, यहाँ की जो ग्रासेस होती हैं वो काफी छोटी होती हैं कंपेयर टू वहां पर, ठीक है। अगर मैं बात करूं नदर्न हेमिस्फीयर की, तो यहाँ की जो एवरेज रेनफॉल है वो आपकी कितनी है, आपकी 50 सेंटीमीटर से अबव है। तो यहाँ की जो ग्रासेस है वो टॉल मिल जाएंगी, फ्रेश मिल जाएंगी, न्यूट्रिशियस मिल जाएंगी और प्रेरीज वाली मिल जाएंगी लॉन्ग। वहीं पर अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर की बात करूं, तो सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ से ज्यादा न्यूट्रिशियस ग्रास मिलेंगी और यहाँ से ज्यादा लंबी ग्रासेस मिलेंगी। सदर्न हेमिस्फीयर की ग्रासेस इनसे ज्यादा न्यूट्रिशियस है। अगर आप बात करें अर्जेंटीना की, अगर आप बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की ग्रासेस ग्रो करने से क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपकी लिव स्टॉक फार्मिंग है, जो यहाँ पर एनिमल रेयरिंग है, एनिमल रेंचिंग है, वो आपकी काफी हाई हो चुकी है। इसी वजह से इनका एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है, जो सदर्न हेमिस्फीयर के टेम्परेट ग्रासलैंड वाले पार्ट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ग्रासेस इस टाइप की आपको मिल जाएंगी, वहीं पर सदर्न हेमिस्फीयर की ग्रासेस है वो थोड़ी लंबी और ज्यादा टॉल मिलेंगी। कहां पर मिलेंगी आपका ये देखिए, एशियाटिक स्टेपी हो गया, नॉर्थ अमेरिका में आपका क्या हो गया, प्रेरीज हो गया, पुस्ताज हो गया आपका हंगरी में, उसके बाद मंगोलिया वाले एरिया में मंचूरियन टाइप ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो रेनफॉल है वो 50 सेंटीमीटर से कम होगी, ओके, सॉइल थोड़ा पुअर होगी और यहाँ पर कॉन्टिनेंटल पे इंटीरियर होने से जो ग्रासेस है वो शॉर्ट टाइप की होगी। जो आप पीछे पढ़ रहे हो ना, ये पीछे वाला आपका कहां पर, ये आपका ये वाला जो पार्ट है, इसे आप सदर्न हेमिस्फीयर कीजिए, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, और यहां पर कीजिए नदर्न, ये आपका हम नदर्न हेमिस्फीयर पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में ड्यू टू इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट के इंटीरियर के कारण रेनफॉल कम होती है, सॉइल इतनी अच्छी क्वालिटी की होती नहीं है, इंटीरियर में होता है कॉन्टिनेंट के तो रेनफॉल, और इसी वजह से यहाँ की जो ग्रासलैंड है वो शॉर्ट होती है। जैसे मैंने आपको बताया नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर में वेल्ट डाउन पंपास ये होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में स्टेपीज प्रेरीज, उसके बाद पुस्ताज, उसके बाद मंचूरियन, यहाँ पे रेनफॉल कम होगी, पहला पॉइंट। क्यों? क्योंकि इंटीरियर में है कॉन्टिनेंट के। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ की जो ग्रासेस है उसकी हाइट कम होगी और ये न्यूट्रिशियस कम होगी। वहीं पर सदर्न हेमिस्फीयर की ग्रासेस है रेनफॉल ज्यादा होती है कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर, मैरीटाइम इफेक्ट होता है। दूसरा, ग्रासेस की जो लॉन्ग है वो थोड़ा ज्यादा होगी और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको न्यूट्रिशियस ग्रासेस मिलेंगी कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ओके, अब वहीं पर हम बात कर लेते हैं, आ जाइए ये, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे की तरफ, आप यहां पे डिस्कस कीजिए ये वाला, यहां पर आप देख रहे हैं ये जो प्रेरीज ग्रासलैंड है ना, जो डेवलप हुआ है, जिसे हम कहते हैं वीट ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब यहां पे क्या है, चीजें समझना, ये मेरा एरिया है ना यहां पर जो प्रेरीज का, यहां पर जो पर हेक्टेयर यील्ड है, पर हेक्टेयर यील्ड है, वो पर हेक्टेयर यील्ड आपकी लेस है, ठीक है। जो पर हेक्टेयर यील्ड है वो आपकी लेस है, क्लियर है। पर हेक्टेयर यील्ड आपकी यहां पे कम है प्रेरीज की, पर यहां पर प्रोडक्शन बहुत हाई है। पर हेक्टेयर यील्ड तो कम है पर यहां पर पर्सन यील्ड बहुत ज्यादा हाई है, कहां पर, प्रेरीज ग्रासलैंड। समझ रहे हो इस डिफरेंस को, पर हेक्टेयर यील्ड और पर हेक्टेयर जो पर पर्सन यील्ड है उसमें डिफरेंस समझ रहे हो आप, पर हेक्टेयर जो यील्ड है और पर पर्सन यील्ड है, ये तो लो है यहाँ पर, बट ये बहुत ज्यादा हाई है प्रेरीज में। क्यों? क्योंकि एक्सटेंसिव, देखिए यहाँ पर जो बॉर्डर है यूएसए और कैनेडा का, तो वहां पर आपको ग्रेट लेक्स दिखेंगी 5, इसके साउथ में तो प्रेरीज दिखेगा और इसके नॉर्थ में दिखेगा जो विनीपेग वाला एरिया है यहाँ का जो ग्रासलैंड। तो ये आपका क्या है,
यहाँ वाला रॉकीज है, ये रॉकीज में चिरोक आई, इसने क्या किया, स्नो को ईट कर दिया, जो यहाँ पर स्नो कवर्ड एरिया था। तो स्नो कवर्ड एरिया को ईट करने से क्यों, क्योंकि कनाडा वाले एरिया में ज्यादा स्नो है कंपेयर टू प्रेरीज जो आपके यूएसए वाले पार्ट में है। हाँ तो पंपास तो मैंने आपका बताया ना, अर्जेंटीना में है, यूरुग्वे में है, इन पार्ट में है, पुस्तास हंगरी में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, वेल्ड आपका साउथ अफ्रीका में है, स्टेपीज आपका रशिया यूरेशिया वाले पार्ट में है, प्रेरीज आपका कनाडा और यूएसए के पार्ट में है, उसके बाद आपका जो मंचूरियन है वो मंगोलिया वाले पार्ट में है। यही तो डिस्कस किया हमने, हमने डिस्कस तो किया आपका पैम्पास कहां पर, सदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, तो हमने ये पॉइंट को डिस्कस किया। ओके चलो एक मिनट बताइए, आपको क्या डाउट आ रहा है, कुछ चीज समझने में इश्यू आ रहा है? तो पुस्तास तो नॉर्थ में ही है, पुस्तास तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है बच्चे, जस्ट गिव मी वन मिनट। पुस्तास तो नॉर्थ में ही है ना, पुस्तास जो ग्रासलैंड है हंगरी में वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। जो पुस्ताज है वो हंगरी में लाई करता है, ठीक है? अगर किसी, पता है क्या, जब चीजें पढ़ाते हैं ना तो एक दो सेंटेंस या एक दो वर्ड कभी हो जाता है, बट अगर मैंने कुछ बोला हो, मैं आपको हमेशा से बोल रहा हूं, रेनफॉल पैटर्न समझ में नहीं आया, देखिए रेनफॉल पैटर्न में दोबारा समझा देता हूं, आ जाइए दोबारा समझा देता हूं, आजिए फटाफट आइए जल्दी, रेनफॉल पैटर्न समझते हैं, आइए क्यों ज्यादा होता है क्यों कम होता है ना, आ जाइए देखिए यहां पे आइए, देखिए पहला पॉइंट समझिए, ये आपके कॉन्टिनेंटल के इंटीरियर में है, कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में है, समझ में आ गया? तो कॉन्टिनेंटल के इंटीरियर में होने के कारण यहां पर जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स है अगर जो थोड़ी बहुत आती है उनकी कोई रेनफॉल नहीं हो पाती, जो थोड़ी बहुत आई अगर, वैसे तो नीचे की तरफ फ्लो करती है, अगर थोड़ी बहुत आई तो उनकी कोई रेनफॉल नहीं होगी। और यहाँ पर आपकी रेनफॉल क्यों होगी, क्योंकि यहाँ का समर का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, समर के टेम्परेचर हाई होने से यहाँ की एयर हाई क्या हो जाएगी, लैंड हॉट हो जाएगा, लैंड हॉट होगी तो एयर भी राइज करेगी, गर्म एयर होगी, तो गर्म एयर राइज करने से यहाँ पे कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी, क्या होगी, कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी। अब समझ में आया ये वाला पॉइंट, किस टाइप की रेनफॉल होगी, कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी। उसके बाद जो यहाँ पर डिप्रेशन बनता है मेडिटेरियन सी में, तो उस डिप्रेशन के कारण आपकी मेडिटेरियन वाला जो वेस्टर्लीज है उससे थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है, यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे होती है विंटर में जब आपका डिप्रेशन बनता है, समर में टेम्परेचर हाई होने से रेनफॉल होती है, बट ये 20 इंच से लो होती है, समझ में आ गया? ठीक है, तो क्या होगा, कन्वेक्शनल करंट से बनेगी और थोड़ा बहुत डिप्रेशन बनेगा जो मेडिटेरियन सी में उससे बनेगी, या यहां पर जो वेस्टर्लीज होंगी उससे बनेगी, समझ में आ गया? उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर की बात करूं, पैम्पास, वेल्ड और डाउन, अब आप एक चीज नोटिस करेंगे तो ये क्या है, ये मैरीटाइम के पास है, ये ओशियन के पास है, ये क्या है, मैरीटाइम का, मैरीटाइम के पास है। ओके, तो क्या हुआ, जब मैरीटाइम के पास होने से यहां पर आप नोटिस देखिए, यहां पर जो कन्वेक्शनल करंट से ज्यादा रेनफॉल होगी, याद रखना यहां पे कन्वेक्शनल करंट है उससे ज्यादा रेनफॉल होगी। फिर यहां पे क्या हुआ, ओशियन के पास है मैरीटाइम इफेक्ट, ये वार्म करंट और ये वार्म करंट, टेम्परेचर हाई प्रेशर लो, तो यहां पर विंड आने से क्या होगा, इस वाले एरिया में मैरीटाइम इफेक्ट होने से, ओशियनिक इफेक्ट होने से आपकी रेनफॉल 20 इंच और उससे ज्यादा होगी,
तो यहाँ पर वेजिटेशन भी इसलिए अच्छी ग्रो हो रही है, जो ग्रासेस है उनकी लेंथ भी इसलिए ज्यादा है, न्यूट्रिशियस ग्रासेस है कंपेयर टू नदर हेमिस्फीयर। अब समझ में आया यहाँ का कंसेप्ट, अब समझ में आया कैसे क्या हुआ बताइए, क्लियर है? यहाँ पे जो हमने ग्रासलैंड्स की ये आपका प्रेसिपिटेशन पढ़ा, ठीक है गाइस? ओके, ये हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं आगे नेचुरल वेजिटेशन में। क्लियर हो गया यहां तक किसी को? क्या होता है, ट्री बहुत ही कम होते हैं स्टेपीज में। क्यों ट्री कम होते हैं स्टेपीज में? रेनफॉल कम होती है, स्कैंटी रेनफॉल होती है, ड्रॉट सीजन ज्यादा लंबा होता है, विंटर में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाती है क्योंकि कॉन्टिनेंट के इंटीरियर है, ठीक है? और जो प्लेन है ना वो बहुत बड़े प्लेन है। मतलब क्या है, यहाँ के जो प्लेन है ना वो इस तरह नहीं है, ऊपर हो गया नीचे, एक्सटेंसिव बहुत लंबे साइज लेंथ तक आपका प्लेन्स आपको दिखेंगे, ठीक है? बहुत लंबे और एक्सटेंसिव लेवल पे आपको प्लेन्स एरिया दिखेंगे, क्लियर है? एक्सटेंसिव एरिया तक, ये पॉइंट याद रखना। यहां पर ये याद रखिए, ये आपकी न्यूट्रिशियस ग्रास जो कि आजकल सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है, जिसका नाम है अल्फा 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 जो ग्रास है ये न्यूट्रिशियस ग्रास है। क्या है? न्यूट्रिशियस ग्रास है, ये पॉइंट याद रखिए। पूछ लेगा आपको कहां होती है, टेम्परेट ग्रासलैंड की ग्रास है अल्फा अल्फा, ठीक है? अब आ जाइए, तो क्या हुआ, जो स्टेपीज है, स्टेपीज वाले में बात कर रहे हैं, जो हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो क्या करते हैं, जैसे जैसे हम थोड़ा सा पोलवर्ड इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो प्रेसिपिटेशन है ना वो थोड़ी हाई हो जाती है, ठीक है? वो क्या होता है, एक ट्रांजिशन जोन बनता है ना, उसमें थोड़ा राइज हो जाती है, और यहाँ पे मिलते हैं वुडन स्टेपीज, मतलब थोड़े बहुत कॉनीफेरस टाइप के प्लांट्स मिल जाएंगे। पर कैसे, बहुत स्कैटर्ड। ये मेरी ग्रास है, यहाँ पर मिल गए कॉनीफेरस फॉरेस्ट, उसके बाद यहाँ पे ग्रास है, एक कॉनीफेरस फॉरेस्ट यहाँ पे मिल गया, ठीक है? और वहीं पर जैसे जैसे आप इक्वेटर के पास आते चले जाओगे, यहाँ की ग्रास छोटी होती चली जाएगी, दूर दूर होती चली जाएगी, और थॉर्नी स्क्रब टाइप की ग्रासेस बन जाएंगी आपकी, किसमें, स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट में। अब बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, मतलब यहाँ का कैसी एग्रीकल्चर है, यहाँ पे किस टाइप की नोमैडिक हर्डिंग्स होती है उसके बारे में, और जो पास्टरल फार्मिंग होती है वो किस टाइप की होती है, ये इंपॉर्टेंट है चीजों को थोड़ा समझना आराम से। सबसे पहले हम बात करते हैं, आज ये सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। यहाँ पर क्या है गाइस, यहाँ पर जो ग्रासलैंड है ना वो एक्सटेंसिव लेवल पे होता है, तो इसी वजह से ग्रासलैंड होने के कारण यहाँ पे क्या किया, जो वीट थी ना उसकी मैकेनाइज्ड फार्मिंग की, मतलब जो हमारे मॉडर्न टूल्स है, जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो हमने यूज की यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए वीट की। यहाँ पे जो पर यील्डिंग हेक्टेयर यील्डिंग थी वो तो लो है, हेक्टेयर यील्डिंग तो लो है, पर पर पर्सन यील्डिंग है, जो पर पर्सन यील्डिंग है वो हाई है, किसकी, आपकी प्रेरी, किसकी, आपकी प्रेरीज जो ग्रासलैंड है उसमें, जो वर्ल्ड की वीट ग्रैनरी कहते हैं, सबसे ज्यादा वर्ल्ड का वीट यहीं पर प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसे वीट ग्रैनरी कहते हैं। क्या कहते हैं, वीट ग्रैनरी। अब बोलोगे सर क्या ये होती है, एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड फार्मिंग, इस तरह बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, लेबर का वर्क थोड़ा लेस होता है, लेबर का वर्क थोड़ा लेस होता है, मशीन्स यूज होती हैं, और बड़े बड़े एक्सटेंसिव लैंड एरियाज होते हैं। इन लैंड एरियाज में इनका जो पर्पस होता है वो एक्सपोर्ट का होता है, कि सेल करने का होता है, आपका खुद के सस्टेनेबल के लिए नहीं होता, क्या खुद के सस्टेनेबल लेवल के लिए नहीं होता, और सब्सिस्टेंस फार्मिंग नहीं होती, एक्सटेंसिव लेवल पे होता है, मशीन्स यूज होती हैं, लार्ज मैकेनाइज्ड फार्मिंग यहाँ पे होती है।
हाँ इंडिया में जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो सदर्न हेमिस्फीयर में मिलेंगे 16 ग्रासलैंड जो कि नीलगिरी हिल्स है उस वाले पार्ट में आपको मिल जाएंगे, केरला वाले पार्ट में। ओके तो हमने क्या बात की इसके बारे में, यहाँ पर वीट के बाद आपकी जो मेज है वो सेकंड इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, वो ग्रो होती है कहाँ पर, जहां पर गर्मी हो, थोड़ा वार्मर एरिया हो, ओके, और वेटर हो, थोड़ी रेनफॉल होती हो और थोड़ी गर्मी वाले एरिया में होती है, ठीक है। यहाँ पर फार्म्स का जो एरिया होता है बहुत बड़ा होता है और जो मशीन्स होती है वो सब मॉडर्न हाई मैकेनाइज्ड होती है, थ्रेशर्स हो गए आपके, रोलिंग मशीन्स हो गई, ये सब यूज करते हैं। और यहाँ पर जो एवरेज पर हेक्टेयर यील्ड है वो लो है, ये पॉइंट देखिए, पर हेक्टेयर जो पर एकड़ जो हमारी यील्डिंग है वो लो है, और यहाँ पर जो पर पर्सन आपकी यील्डिंग है वो हाई है, कहाँ पर, प्रेरीज में, वो आपकी प्रेरीज में आपकी पर हेल्डिंग आपकी हाई है, ठीक है। पर पर्सन तो हाई है, पर एकड़ आपकी लो है, यही रीजन है कि जो ये मिड लैटिट्यूड के प्रेरीज ग्रासलैंड है, प्रेरीज ग्रासलैंड है, यहां पर क्या होता है एक्सपोर्ट करते हैं वीट का वर्ल्ड में ग्रेटर लेवल पे, बहुत ज्यादा बड़े एरिया में, क्योंकि एक्सटेंसिव फार्मिंग की जाती है यहां। तो क्या हुआ, देखिए जो सदर्न हेमिस्फीयर है यहां पर टफ्ट ग्लासेस थी, टफ ग्लासेस थी, उन टफ ग्रासेस को रिप्लेस कर दिया किससे, न्यूट्रिशियस ग्रासेस से, जिसे हमने कहा अल्फा अल्फा। यहाँ पर क्या है, जो कैटल है, जो शिप रियरिंग है, इसके लिए बहुत न्यूट्रिशियस ग्रास है तो न्यूट्रिशियस ग्रास है तो यहाँ पर जो नेचुरल कंडीशन थी आपकी वो इन न्यूट्रिशियस ग्रास से, और यहाँ पर रेफ्रिजरेटर टेक्नोलॉजी यूज हो गई, तो टेम्परेट ग्रासलैंड वाला एरिया था ना, ये लार्ज अमाउंट में एक्सपोर्ट करने लगे, क्या बीफ को, मटन को, वूल को, मिल्क को, बटर को, चीज को, और डेयरी प्रोडक्ट देना, तो जो पैम्पास वाला अर्जेंटीना वाला एरिया है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया बीफ का, क्यों, क्योंकि उन्होंने न्यूट्रिशियस ग्रास थी ना, जो अल्फा अल्फा वो ग्रास अपने अंदर यहाँ पर ग्रो करनी स्टार्ट कर दी, और जब एनिमल्स थे जो बीफ थी उन्हें न्यूट्रिशियस ग्रास मिली तो क्या हुआ, वो अच्छी ग्रो करने लगी, अच्छी हेल्थ होने लगी, उनके बटर, मिल्क, चीज प्रोडक्ट और अच्छी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने लगे, तो वो ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगे बीफ का वर्ल्ड में। और ऑस्ट्रेलिया याद रखना वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है और लीडिंग एक्सपोर्टर है, किसका, वूल का। आपको पता है, मैंने बताइए कौन सी शिप मिलती है जो फेमस है, कौन सी शिप है जो ऑस्ट्रेलिया में फेमस है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाया था, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में ये डिफरेंस होता है, एक्सटेंसिव बहुत लार्ज एरिया में होती है, इंटेंसिव सिलेक्टेड कम एरिया में होती है, एक्सटेंसिव का मतलब होता है एक्सपोर्ट करने के लिए, आपका कैश क्रॉप की तरह यूज करते हैं पैसा कमाने के लिए, बट जो इंटेंसिव होती है वो कम लेवल पे होती है, अपने खुद के सब्सिस्टेंस के लिए होती है, टेक्नोलॉजी लो लेवल की यूज होती है, लेबर ज्यादा यूज होती है या घर की लेबर यूज होती है। समझ में आ गया आपको ये वाला पॉइंट, बताइए कौन सी शिप है, फटाफट जल्दी से बताइए। अब हम बात करते हैं यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, मैं थोड़ा सा एड ऑन कर रहा हूँ इन चीजों को, देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, आ जाइए फटाफट। मेरिनो शिप बहुत अच्छे, जो मेरिनो वूल होती है वो बहुत फेमस है ऑस्ट्रेलिया की, और वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। आइए मैं एक एक करके समझाता हूँ यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे ऊपर है न्यूमैटिक हर्डिंग, सबसे ऊपर है न्यूमैटिक हर्डिंग। अब समझिए व्हाट इज न्यूमैटिक हर्डिंग, क्या होता है न्यूमैटिक हर्डिंग। यहाँ पर क्या है, बेसिकली न्यूमैटिक हर्डिंग का मतलब होता था यहाँ पर कैटल होती थी लोगों के पास, तो कैटल से क्या करते थे, उन्हें एक एरिया से दूसरे एरिया में गए, यहाँ पर इन्हें पास्चर करवाते थे, ठीक है, क्या करवाते थे, एक जगह से दूसरे एरिया में जाते थे और पास्चर काम करते थे, ठीक है। बट क्या होने लगा, अब लोग एक जगह फिक्स होके रहना स्टार्ट कर दिया, ये मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह हर्डिंग करना, अपने एनिमल्स को लेके जाना, अब ये धीरे धीरे क्या हो गया है, डिसअपीयर्ड हो चुका है, ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड हो चुका है नोमैडिक हर्डिंग। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन कौन सी ट्राइब्स है जो नोमैडिक हर्डिंग करती है, मूव करती थी पहले, आपको बताना है सर, एक तो किर्गिज है, ठीक है, और कौन सी है, एक है कजाक्स, ठीक है, और एक है कलमुक,
किर्गिस, कजाक्स और कलमुक, ये तीनों ट्राइब्स क्या करती थी? नोमैडिक हर्डिंग करती थी, नोमैडिक हर्डिंग करती थी। तीनों ट्राइब्स क्या करती थी? नोमैडिक हर्डिंग करती थी। ये आपको याद रखना है। क्या करते थे ये मीट, वूल, मिल्क, इन चीजों का काम करते थे। और ये क्या करते थे? जो आपका होम प्रोडक्ट्स है, होम प्रोडक्ट्स है, इनका ट्रेडिंग करते थे। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करते थे और ये अपने कारवां में मूव करते थे। या तो कारवान, जो मैंने बताया था आपका ट्रेडिंग कारवांस, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे काफी बड़े साइज में, तो ये आपके वही ट्राइब्स हैं, किर्गिस, कजाक्स और कलमुक। तो ये बात होगी नोमैडिक हर्डिंग की। उसके बाद हमारा जो सेकंड टाइप का आता है वो आता है एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड फार्मिंग जो होती है, या जो वीट कल्टीवेशन होती है। ये कहाँ होता है? प्रेरीज में होता है, प्रेरीज में। इसकी जो यील्ड है वो तो लो है, बट पर हेक्टेयर, जो पर पर्सन है वो हाई है, पर पर्सन इसकी हाई है। समझ में आ गया? वर्ल्ड का 3/4 जो वीट है, वर्ल्ड का जो 3/4 वीट है कहाँ? विंटर में। वर्ल्ड का जो 3/4 वीट है विंटर सीजन में, वो आपका कहाँ होता है? इस वाले एरिया में ग्रो होता है। कहाँ पर? इस वाले में, ठीक है। विंटर वर्ल्ड का जो 3/4 है वो प्रेरीज में होता है आपका, जिसे वीट ग्रेनरी कहते हैं, ठीक है। ओके, सॉरी, एक मिनट। जो वर्ल्ड का 3/4 वीट का प्रोडक्शन होता है ना, वो विंटर सीजन में होता है। बट याद रखना, जो बचा हुआ है वो, अगर मैं बात करूं कैनेडा की, क्यों? क्योंकि कनाडा में जो स्नो होती है उस वाले पार्ट में। उसके बाद क्या है आपका? कौन सा पार्ट कनाडा के साथ, कौन सा पार्ट बताइए फटाफट? जो यूएसए है ना, यूएसए के ईस्टर्न वाले पार्ट पे, कुछ पार्ट पे जहां पे स्नो कवर रहता है, ज्यादा हीट वो रहती है, आपका कोल्ड रहता है, तो वहां पे विंटर में वीट नहीं होता, वहां पे विंटर में वीट नहीं होता, वहां पे आपका वीट होता है स्प्रिंग सीजन में। जैसे हमारा इंडिया है, आपका और कंट्रीज है, यहाँ पर विंटर में हम वीट को ग्रो करते हैं, वीट की क्रॉप शोन करते हैं विंटर में। बट क्या होता है आपका? प्रेरीज में भी विंटर में करते हैं, बट कनाडा हो गया, यूएसए का कुछ पार्ट हो गया, ये पूरे स्नो कवर्ड रहते हैं विंटर सीजन में। तो यहाँ पर जो वीट की कल्टीवेशन होती है वो स्प्रिंग सीजन में होती है। कब होती है? स्प्रिंग सीजन में होती है, और उसे स्प्रिंग वीट कहा जाता है। समझ में आ गया? क्लियर है? अब हम बात करते हैं तीसरा टाइप का फार्मिंग। कौन सा? तीसरा टाइप का फार्मिंग। और बेसिकली कहां होता है? नॉर्थ अमेरिका के कुछ पार्ट में विंटर में होता है, ठीक है। कहां पर? जो आपका, फिर उसके बाद समर में कहां होता है? साउथ ऑफ ग्रेट लेक्स वाले पार्ट में, कनाडा में जो प्रेरीज वाला पार्ट है, जो मैंने विनीपेग वाला पार्ट दिखाया था, वहां पर विंटर में होता है। कौन सा? अल्बर्टा वाला पार्ट, उसके बाद मैनिटोबा वाला पार्ट, ये वाले पार्ट में आपका विंटर में वीट होता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ पार्ट में ये जो हमारा मेज को भी ग्रो करते हैं, जो वार्मर रीजन होता है, जहां पर रेनफॉल थोड़ी ज्यादा होती है, वहां पर विंटर में करते हैं। ओके, उसके बाद हमारा तीसरा है पास्टरल टाइप ऑफ वेजिटेशन। पास्टरल मतलब जो पास्टरल, जो ग्रेजिंग होती है ना, जो ग्रेजिंग होती है, इसे पास्टरल फार्मिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है? कैटल का, शिप का, पिक का, हॉर्सेस का, यहां पर कैट, इनकी रियरिंग करवाई जाती है, इन्हें रियरिंग करवाई जाती है। उसके बाद क्या होता है? रियरिंग करवाने के बाद आपने रेंचिंग का नाम सुना होगा। रेंचिंग, रेंचिंग क्या होते हैं? बड़े बड़े ग्रासलैंड होते हैं, वहां पर इन्हें रखा जाता है, किन्हें? कैटल्स को, शिप को, और उन ग्रासलैंड में रियरिंग करवाई जाती है इन एनिमल्स की। उसे कहते हैं पास्टरल, उसे क्या कहते हैं? पास्टरल फार्मिंग। क्या कहते हैं? पास्टरल। ये क्या क्या चीज करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं मीट का, बीफ का, मटन का, वूल का, ठीक है, और बटर का, चीज का, इन चीजों का एक्सपोर्ट करते हैं। क्यों? जो पास्टरल फार्मिंग है ना, ये कब ज्यादा इंप्रूव हुई? पास्टरल फार्मिंग कब ज्यादा इंप्रूव हुई? जब सदर्न हेमिस्फीयर की जो कंट्रीज हैं, उन्होंने क्या किया, अपने टेम्परेट ग्रासलैंड में आपका क्या किया, उन्होंने अल्फा अल्फा
अल्फा अल्फा जो न्यूट्रिशियस ग्रास थी उसको इंट्रोड्यूस कर लिया। जब उस अल्फा अल्फा को इंट्रोड्यूस किया तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे आपका अच्छी क्वालिटी की ग्रासेस होने लगी, यहाँ के जो एनिमल्स है उनकी कंडीशन अच्छी होने लगी, तो वहां पर जो मीट बीफ मटन वूल और बटर चीज इसकी जो प्रोडक्शन थी वो हाई हो गई। इसी वजह से ये एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इसी वजह से ये एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। ओके गाइस, क्लियर है आपको ये पॉइंट, बिल्कुल बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया में जो 1/3 वूल है वो ऑस्ट्रेलिया में होती है पूरे वर्ल्ड में, और जो यूरेशिया है वहां पर क्या है, यूरेशिया में स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट, वहां पर आपका मीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, और आपका प्रेरीज वाला जो एरिया है वहां पर बीफ बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती है। ये आपकी तीसरी है पास्टरल टाइप ऑफ फार्मिंग। अब मुझे बताइए, किसी भी स्टूडेंट को यहां तक जो हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, पास्टरल फार्मिंग के बारे में पढ़ा, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो बताइए। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, बताइए फटाफट, किसी भी तरीके का कोई डाउट जो हमने, क्लियर है। तो यही चीजें हमने बहुत अच्छे से कवर कर ली है। सो गाइस, दिस इज टेलीग्राम लिंक geography_5, आपको यहां से PDF नोटिफिकेशन सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा जल्दी। ओके, और दिस इज द कोड कैपिटल AM10, आज या कल के अंदर डेफिनेटली है, ये मैं शॉर्ट कह रहा हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन आया था फ्रॉम दैट साइड ऑफ टीम मैनेजमेंट कि आपकी फीस हाइक हो रही है, तो स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड टू टेक सब्सक्रिप्शन उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए, बिकॉज फीस हाइक हो जाएगी, फिर बाद में होगा कि सर सडनली फीस हाइक हो गई, तो 10,000 से 15,000 डेफिनेटली फीस है वो हाइक होगी। AM10 कोड यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और एज अ गाइड एज अ मेंटर मैं आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करूंगा रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, बुक लिस्ट, आपको कैसे सब्जेक्ट कवर करना है, कितना कवर करना है, टाइम टेबल से रिलेटेड, तो उसमें चीजों में आपकी हेल्प करूंगा। ओके गाइस, सो आज हमारी 7:30 पे क्लाइमेट ऑफ इंडिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, उसे कवर कर लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज 7:30 क्लास में उसे हम कवर करने वाले हैं। ओके गाइस, सो बाय, टेक केयर।